नमस्ते स्टूडेंट, श्रीमती शांता बेन हरिभाई गजवेला इंग्लिश मीडियम संचालित विद्यासभा न्यूज में आपका स्वागत है। पढ़ाई शुरू करने से पहले चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। सुनी है? स्टोरी का शीर्षक है जैसे को तैसा। एक बगुला और एक लोमड़ी थी। लोमड़ी बहुत ही चालाक थी। उसे हर किसी का मजाक उड़ाने की बहुत आदत थी। दूसरों को मूर्ख बनाकर वो खुश होती थी और दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। एक बार क्या हुआ, उसने बगुले को अपने घर दावत पर बुलाया और अपने घर पर उसने टमाटर का सूप बनाया। समय पर बगुला भी लोमड़ी के घर पर पहुंच जाता है। वहां देखकर देखता है कि लोमड़ी ने दो प्लेटों में सूप परोसा है और एक प्लेट बगुले के सामने रखकर कहती है कि शुरू कीजिए श्रीमान। अब बगुले की परेशानी ये थी कि वो अपनी लंबी चोंच की वजह से प्लेट में रखा हुआ सूप खा नहीं पा रहा था क्योंकि प्लेट उसकी उथली थी, तो वह सूप नहीं पी रहा था। तो उस सूप को लोमड़ी चाट चाट कर उसके सामने ही खा रही थी और बगुले का मजाक उड़ा रही थी। अब बगुला जो है वो लोमड़ी की चालाकी समझ जाता है। वो क्या करता है, मनोमन ही वो लोमड़ी को सबक सिखाने की सोच लेता है। दूसरे दिन वो लोमड़ी को अपने घर पर न्योता देता है, अपने घर पर उसे दावत पर बुलाता है और लोमड़ी का इंतजार करता है। नमस्ते स्टूडेंट, श्रीमती शांता बेन हरिभाई गजवेला इंग्लिश मीडियम संचालित विद्यासभा न्यूज में आपका स्वागत है। पढ़ाई शुरू करने से पहले चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। सुनी है? स्टोरी का शीर्षक है जैसे को तैसा। एक बगुला और एक लोमड़ी थी। लोमड़ी बहुत ही चालाक थी। उसे हर किसी का मजाक उड़ाने की बहुत आदत थी। दूसरों को मूर्ख बनाकर वो खुश होती थी और दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। एक बार क्या हुआ, उसने बगुले को अपने घर दावत पर बुलाया और अपने घर पर उसने टमाटर का सूप बनाया। समय पर बगुला भी लोमड़ी के घर पर पहुंच जाता है। वहां देखकर देखता है कि लोमड़ी ने दो प्लेटों में सूप परोसा है और एक प्लेट बगुले के सामने रखकर कहती है कि शुरू कीजिए श्रीमान। अब बगुले की परेशानी ये थी कि वो अपनी लंबी चोंच की वजह से प्लेट में रखा हुआ सूप खा नहीं पा रहा था क्योंकि प्लेट उसकी उथली थी, तो वह सूप नहीं पी रहा था। तो उस सूप को लोमड़ी चाट चाट कर उसके सामने ही खा रही थी और बगुले का मजाक उड़ा रही थी। अब बगुला जो है वो लोमड़ी की चालाकी समझ जाता है। वो क्या करता है, मनोमन ही वो लोमड़ी को सबक सिखाने की सोच लेता है। दूसरे दिन वो लोमड़ी को अपने घर पर न्योता देता है, अपने घर पर उसे दावत पर बुलाता है और लोमड़ी का इंतजार करता है। चलो अब कहानी सुनने के बाद थोड़ा हम पुनरावर्तन कर लेते हैं। कक्षा दो में आप स्वर और व्यंजन का अभ्यास कर चुके हैं, फिर भी हम फिर से उसे याद कर लेते हैं। चलो फिर से हम स्वर को याद करते हैं। अ, अ से अनार, आ, आ से आम, छोटी ई, ई से इमली, बड़ी ई से ई, छोटा उ से उल्लू, बड़े उ से ऊँट, रु से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एन, ओ से ओखली, अ से औरत, अन से अंगूर, अ खाली। इस वर्ण स्वर से कोई शब्द नहीं बनता है। चलो फिर से एक बार दोहराते हैं। अ, अ से अनार, आ, आ से आम, ई, ई से इमली, बड़ी ई से ई, छोटे उ से उल्लू, बड़े उ से ऊं, रु से ऋषि, ए से एडी, ए से एना, ओ से ओखली, अ से औरत, अंग से अंगूर और अ खाली।
बाद अब हम व्यंजन को याद करते हैं। चलो, क से कमल, ख से खरल, ग से गमला, घ से घर, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झरना, ट से टमाटर, ठ से ठठेला, ड से डमरू, ढ से ढकना, न से बाण, त से तलवार, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धनुष, न से नगारा, फ से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भगत, म से मगर, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड़का, व से वजन, श से शरबत, स से सड़क, ह से हिरण, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, न से नानी, श्र से श्रव। फिर से एक बार दोहराते हैं। क, क से कमल, ख, ख से खरल, ग से गमला, घ से घर, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झरना, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढ, न से बाण, त से तलवार, ठ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धनुष, न से नगारा, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भगत, म से मगर, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड़का, व से वजन, श से शरबत, स से सड़क, ह से हिरण, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, न से नानी, श्र से श्रव। चलो अब स्वर और व्यंजनों के बाद मात्रा का पुनराभ्यास कर रहे थे। सबसे पहली मात्रा है अ। वैसे अ की कोई मात्रा तो नहीं होती, लेकिन सभी व्यंजनों में उच्चारण की सुविधा के लिए व्यंजनों के साथ अ की मात्रा का मेल किया जाता है। जैसे कि अ, घर, फल, नयन, बर्फ। अब दूसरी मात्रा है आ। आ की मात्रा जैसे व्यंजनों के साथ आ की मात्रा का मेल करके उच्चारण होता है अ, जमा, आ की मात्रा, आम। आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ रेखा खींची है, तो जहाँ जहाँ मैंने रेखा खींची है वहाँ आ की मात्रा का मेल किया है। जैसे फिर से अ, जमा, आ, आम, द, जमा, आ, दा, स, दास, त, जमा, आ, ता, ल, जमा, आ, ला, ताला, च, जमा, आ, चा, द, र, चा, द, र, ल, ड, प, जमा, आ, का, ल, ड, का। अब छोटी की मात्रा, छोटी ई, ध, र, द, जमा, छोटी की मात्रा दी, न, दीन, स, जमा, छोटी की मात्रा सी, र, सीर, त, क, जमा, छोटी की मात्रा की, या, तकिया,
जमा छोटी मात्रा की का ब। अब हम देखते हैं बड़ी की मात्रा जिस वर्ण के साथ में किया जाता है उसका उच्चारण कैसे होता है वो हमें आप देखना है। बड़ी की मात्रा ती ख ई म जमा बड़ी की मात्रा नी ठ जमा बड़ी की मात्रा थी मीठी ह जमा बड़ी की मात्रा थी र तीर क हा न जमा बड़ी की मात्रा नी कहानी प जमा बड़ी की मात्रा नी र अनिया आगे छोटी की मात्रा छोटा उ ठ उठ प जमा छोटी की मात्रा उ ल उल ख जमा छोटी की मात्रा खु शी खुशी ध न जमा छोटी की मात्रा नु श धनुष ब ग जमा छोटी की मात्रा गु ला बगुला। अब आगे हम पढ़ते बड़ी की मात्रा देखो कैसे उसका उच्चारण होता है व्यंजनों का। बड़ा उ बड़ी ख बड़ी की मात्रा फूल ल ध जमा बड़ी की मात्रा धूप धूप स जमा बड़ी की मात्रा सूरज सूरज प जमा बड़ी की मात्रा कु र। सभी शब्दों को हम फिर से पढ़े चलो पहले अ मात्रा वाले शब्द फिर से पढ़ते हैं। अ घर फल न न ब त ख आ मात्रा वाले शब्द आ म दा स सा ला चा दर ल र का। छोटी की मात्रा वाले शब्द ई धर दी न सी र त या सी सा ब। बड़ी की मात्रा ई ख मी खी खी र क खानी प नी र। छोटी की मात्रा उ ठ उ ल हु शी ध नु श ब गु ला। अब बड़ी की मात्रा उ ल हु ल धु प सु र ज पु र ब। चलो अब रु मात्रा का अभ्यास करते हैं। क जमा रु रु शरण क जमा रु रु पान रु पान क जमा रु कृतक कृतक। अब ए की मात्रा का अभ्यास ए बी प जमा ए पेड़ पेड़ स जमा ए से ब से ब। ऐ की मात्रा अ जमा ऐ ऐ न प प जमा ऐ ऐ र म जमा खई मई दान। अब ओ की मात्रा अ जमा ओ खली क जमा ओ की मात्रा को त म जमा ओ की मात्रा नो र। अब ओ की मात्रा अ जमा औ औरत क जमा औ औ आ ग जमा औ गौ रा। औ की मात्रा अ जमा अं दूर श जमा अं शंख घ जमा अं घंटा। अह की मात्रा इस जो दो गिनती आपको दिख रही है उसे
निसर्ग कहते हैं। ये अ प्रा त जमा अति माता तम प्रात न म जमा अति मात्रा म नमः। चलो सारे शब्दों का फिर से पठन करते हैं। कृषण कृपाण कृतक एड़ी पेड़ सेब ऐन पैर मैदान पोखरी कोट मोर औरत कौवा गौरा अंगूर शंख घंटा अह प्रातः नमः।